दोस्तों नमस्कार। आजकल फेसबुक पर रेटिंग का सब्जेक्ट बहुत ही छाया हुआ है और आज सबसे हास्यास्पद बात है कि हमारे रवीश कुमार की रेटिंग बिल्कुल घटकर 1 पॉइंट कुछ हो गई है, जो 5 में कुछ होता है। देखिए 17,000 लोगों ने इनको मतलब 0 रेटिंग, मतलब 1 रेटिंग दी है। 0 तो होता नहीं है फेसबुक में। और इस बात को लेके रवीश कुमार, जो एक अपने आप को बड़ा पत्रकार समझता है, निष्पक्ष मानता है और हमेशा ये आरोप लगाता है कि जो और पत्रकार हैं वो सब बिके हुए हैं, सब मोदी के एजेंट हैं और मोदी के समर्थकों को हमेशा उसने टारगेट किया है NDTV के माध्यम से, जहां एक वो खास पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर वहां समाचार दिखाए जाते हैं। रवीश कुमार और पार्टियों और समर्थकों को तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब उनके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं तो वो इस तरह से अपने कुतर्क सामने रखते हैं। देखिए रवीश कुमार ने आज जो उनकी रेटिंग घटी है, वैसे तो रेटिंग घटाने के लिए लोगों ने सुषमा स्वराज की रेटिंग भी घटाई, लेकिन रवीश कुमार क्या कहते हैं कि खर्चा मोदी समर्थकों का और चर्चा रवीश कुमार का। IT सेल फेसबुक पेज रवीश कुमार की रेटिंग 0 करने में लगा हुआ है। IT सेल ये आम जनता को हमेशा IT सेल बताता है और जितने भी इनके समर्थक हैं, जितने भी कांग्रेस समर्थक हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी और अदर कंट्री के जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो सारे ये रवीश गैंग, ये राहुल गांधी और जितने भी विरोधी वो हैं, वो सारे समर्थक इस तरीके से कुछ भी प्रचार करते हैं। और जब लोग रवीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं तो उनको IT सेल का तगमा देता है। देखिए यहाँ पे लोग अपने बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और उनका रिप्लाई कर रहे हैं रवीश कुमार। अब रवीश कुमार का एक झूठ देखिए सामने। यहाँ पे व्यास तिवारी ने लिखा है, रवीश जी नमस्कार सर, बिना फटे आवाज़ नहीं होती, बिना जली धुआं नहीं होता है, और कुछ आगे लिखा है। लेकिन रवीश कुमार क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स है, इनकी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, ये खुलेगा नहीं। अब देखिए अभी हम यहाँ इनकी प्रोफाइल क्लिक करते हैं और इनका प्रोफाइल खुल जाता है। आप देखिए किस तरीके से रवीश कुमार ये झूठ फैलाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बोट्स हैं। ये देखिए कैसे पोस्ट करते हैं, ये कैसे आपने यहाँ पे देखा और यहाँ पे लोग अपने कमेंट दे रहे हैं। इस तरीके से रवीश कुमार की हकीकत किस तरीके से एक पक्ष को दिखाते हुए ओनली इनका टारगेट रहता है जो मोदी समर्थक और मोदी, इनका और कुछ काम नहीं है। और इनके सारे जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, सब एक तरफा होते हैं और इस तरीके के पत्रकार को हम पत्रकार नहीं कह सकते। ऐसे लोगों को राजनीति ज्वाइन कर देना चाहिए, इसको पत्रकार नहीं कह सकते।